अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने वाइट वाली मुर्गी जो है वो अंडों पर बैठाई थी, और उसके अंडों की हमने कैंडलिंग करके भी देखा था। लेकिन वो वाली मुर्गी अंडे तोड़ने लग गई थी, एक अंडा उसने तोड़ दिया था। तो मैंने रिस्क लिए बगैर वो अंडा उठा, मुर्गी को चेंज करके ब्लैक वाली मुर्गी को वहाँ पर बैठा दिया ताकि भी नुकसान ना हो पाए। तो चलिए मैं आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ और साथ में शेयर भी करता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाए, मुर्गी अंडे पीने लग जाए तो मैं क्या करना चाहिए। इस मुर्गी ने फार्म खराब करना शुरू कर दिया, अंडे तोड़ने लग जाती है और आज इसने एक अंडा तोड़ दिया। वो देखिए बेचारा बीच में चूजा बंद रहा था। अब इसका यही सोल्यूशन है कि इसको हम बाहर निकाल के इसकी जगह दूसरी मुर्गी को रख दें, क्योंकि ये एक एक करके सारे अंडे तोड़ती जाएगी। देखिए कितना ब्लैक कलर का एक चूजा बन रहा था अंदर, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है, अंडा तोड़ के रख दिया। आज ही बाद इसको अंडों पे हमने बिठाना ही नहीं है, इसको बाहर छोड़ते हैं और इसकी जगह ला कर फिर ब्लैक वाली जो मुर्गी है मेरी पिछले दिनों की बैठी हुई अंडों पर कुड़ूक मांग रही है, उसको यहाँ पर ला के बिठाते हैं। बेचारे को जिंदा मार दिया मुर्गी ने, आज ही बाद ये अंडों पर नहीं बैठेगी। इसकी जगह हम ये वाली मुर्गी को बैठाएंगे, ये भी अंडे मांग रही है, लॉक की हुई थी लेकिन अभी खोली है मैंने। कोशिश करते हैं कि अभी यही वाली बैठ जाए, उन अंडों को एक्सेप्ट कर। मैंने निकाल के बाहर रख दिया और उसकी जगह मैंने ब्लैक वाली मुर्गी को ला कर छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अंडों पर बैठ गई और उन्हें इनक्यूबेट करना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चल के। देखें जी, ये इधर आके बैठ गई है और ये अच्छा करके इन अंडों को इनको बेट कर रही है। उम्मीद तो यही है कि ये भी अंडे तोड़ना शुरू ना कर दे। अब बात कर लेते हैं मुर्गियाँ अंडे तोड़ती क्यों हैं, उन्हें पीना क्यों शुरू कर देती हैं। कुछ कुछ मुर्गियों का वेट ज़्यादा होता है तो वो अंडे ऊपर बैठती हैं तो वेट की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ मुर्गियों में वाइटामिन और मिनरल की कमी होती है तो वो तब भी अंडे तोड़ के खुद पीने लग जाती हैं। और कुछ कुछ मुर्गियों की आदत होती है, वो जब बोर होती हैं वो अंडा तोड़ती हैं और वो पी जाती हैं या फिर ऐसे छोड़ देती हैं। ये कि आपने क्या करना है कि पहले तो सबसे ईजी वाली यही है कि आपने अगर मुर्गी के नीचे अंडे रखे हुए हैं और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया है तो आप वो वाली मुर्गी उठा कर उसकी जगह कोई और मुर्गी ला के बैठा दें, जैसे मैंने वाइट वाली को उठा के अभी ब्लैक वाली यहाँ पर बैठा दिया। इलाज इसका ये है कि मैंने वो कभी किया तो नहीं है, पर मैंने सुना है इस बारे में कि मुर्गी के जो नाक हैं, नाक के बीच से ना पर गुजार दें, ये शायद वो ब्लाइंडर का काम करते हैं। ब्लाइंडर वो होते हैं जो मुर्गी के नाक पे लगते हैं या किसी भी परिंदे के, और वो उसकी आंखों को कवर कर देते हैं ताकि वो देख ना पाए। तो ब्लाइंडर वाला सॉल्यूशन भी है, बंदा ब्लाइंडर लगा दे और अपने अपने अंडे जो हैं वो ज़ाया होने से बचा ले मुर्गियों के अंडे जो हैं। ये कि मुर्गियों की डाइट जो है वो प्रॉपर रखी जाए, मिनरल वाइटामिन वगैरह जो हैं वो उनको प्रॉपर दिए जाए ताकि वो अपने अंडे को तोड़ के ना पिए। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि जानवर के आपने डेली जो है वो बाइट निकाल देना है ताकि वो फ्रेश और अपना दाना अच्छा करके जब वो खा ले उसके बाद ही फिर आपने जानवर को अपनी मुर्गी को या परिंदे को जो है वापस अंडों पर ला के छोड़ देना। मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।